शिवसेना के मुरादाबाद मंडल इकाई ने महानगर में खस्ता हाल सड़कों और पसरी गंदगी के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। महापौर के पुतले को फूंक कर अपने गुस्से का इजहार किया। गुरुवार को शिव सैनिक मंडल प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दराल तुरेहा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महापौर विनोद अग्रवाल के पुतले को आग के हवाले किया गया। कहा गया कि महानगर मुरादाबाद में सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदगी और खस्ता हाल सड़कों से गुजरना राहगीरों के लिए मुश्किल भरा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम आंखें मूंदे बैठा है। इस दौरान स्मार्ट सिटी में थाना मंझौला और थाना सिविल लाइन क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को अवैध बताते हुए तत्काल हटाए जाने की मांग उठाई। ज्ञापन के माध्यम से महानगर मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी का वास्तविक स्वरूप देने और सफाई व्यवस्था के उचित प्रबंध कराए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए मंडल प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा और भवानी सेवा की जिला अध्यक्ष मंजू राठौर ने संयुक्त रूप से क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज शिव सैनिकों ने मेयर विनोद अग्रवाल का पुतला फूंका। ज्ञात हो कि विगत एक वर्ष से स्मार्ट सिटी के नाम पर किसी भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया। सभी सड़कों में गड्ढे हैं, पानी है, धूल मिट्टी भरी हुई है। शहरवासियों की हालत बहुत बुरी हो रही है, बद से बदतर होती जा रही है। बीमारियां हो रही हैं, धूल मिट्टी के कारण बीमारियां हो रही हैं। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा है, यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, मेयर हैं, ये सब लोग खा रहे हैं। इसी सब से हमने विरोध प्रदर्शन के शिव सैनिकों ने मेयर अग्रवाल का पुतला फूंका है और आगे भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर कपूर कंपनी का पुल का निर्माण नहीं हुआ, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई और जो प्राइवेट बस अड्डा नहीं हटाए गए और जो महानगर में अवैध बाजार हैं, गांगन का बाजार है, हरतली का बाजार है, ये नहीं हटाए गए। स्मार्ट सिटी के नाम पर अवैध बाजार तत्काल हटवाए जाएं। स्मार्ट सिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध बाजार नहीं लगता है। क्या बाजार से बाजार सिर्फ यही है कि भाई जो स्मार्ट सिटी के नाम से पैसा आ रहा है वो कम से कम स्मार्ट सिटी में लगाया जाए। जो गड्ढे और मातम धूल मिट्टी, आजकल देखो बीमारियां कितनी हो रही हैं, कुछ तो डेंगू की वजह से हो रही हैं, कुछ ही गंदगी की वजह से हो रही हैं। तो कम से कम जो भी पैसा विनोद अग्रवाल जी के लिए आ रहा है, मेयर वो हैं तो उनके पास ही आता है, तो जो भी पैसा आ रहा है वो कम से कम स्मार्ट सिटी में लगाएं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो भैया बताएं क्या करना चाहिए। पब्लिक के हाथ में पैसा दें, पब्लिक को दें, रिजाइन दे दें या फिर पार्टी से बर्खास्त हो जाए, निकल जाए, और क्या। तो कहीं ना कहीं घोटाला है आप। बिल्कुल है घोटाला है, उनके चश्मा लग गया, उनकी आंखों को उन्हें नहीं दिख रहा, उनको नोटों का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए उन्हें दिखता नहीं है स्मार्ट सिटी की कैसी होती है और कैसी ये बना रखी है। इससे बढ़िया तो बिना स्मार्ट सिटी की तब अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं चश्मा है, चश्मा है नोटों का, नोटों का चश्मा, नोटों का चश्मा लगा पड़ा है। तो नोटों का चश्मा होता तो उसका तो वजन बहुत ज्यादा होता है। उनके ऊपर नहीं है, उनके बैंक में भी बड़ा जगह है, कुछ नोटों पे लग चश्मा पे लगवा लेते हैं, कुछ बैंक में रख लेते हैं, उन पर नहीं। मौके पर गुड्डू सैनी, अशोक तिलक, ओम प्रकाश, विजय सिंह, सुरेश सिंह, मनोज कुमार ठाकुरदास और प्रमोद कुमार सहित अनेक शिव सैनिक मौजूद थे।